है महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्जक परिवार श्री शांति प्रकाश श्रीमती बीना बड़जात्या श्री सुरेश कुमार श्रीमती तारा बड़जात्या श्री पीयूष श्रीमती पल्विका बड़जात्या श्री सिद्धार्थ श्रीमती मीनू बड़जात्या श्री आतिश श्रीमती चांदनी बड़जात्या आयुष निलय सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन श्रीमती तपस्या जैन निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ डॉक्टर वैन रॉथ पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन डॉक्टर मनाली जैन पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन श्रीमती नताशा जैन श्री राजेश जैन डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली श्री अजय जैन नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद राजरानी सचिन अमिता पंकज रिद्धि नीरज अंतिमा निधिर अव्यक्तु अभियान किशा गंगवाल मिठड़ी वाले जयपुर ईटानगर राजधानी ऑटो एजेंसी पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन श्री संदीप रचना जैन श्री अमित दीपिका जैन श्री धर्मेंद्र अनुश्री जैन समस्त गुरु भक्त परिवार गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। अनसागर जी महाराज के क्षेत्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गौरव जी जैन श्रीमती अंकी जैन गर्वी जैन अतिशय जैन पुष्पा जैन राजेश जैन बेंगलोर परिवार से ज्ञानोदय परिवार से तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। दीप प्रज्वलन करना है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लोकेश जी श्रीमती रेखा अंकित रूपल निम्बोड़ा राजस्थान से। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए अष्टम तीर्थ चंद्रपुर भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा जीवन का हर फैसला तुम पे छोड़ दिया इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ महेंद्र पारक जी भी आप भी आए नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया नाता जोड़ लिया प्रभु से नाता जोड़ लिया। बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्रपुर भगवान की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की। हम सभी को मिलकर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य। आप सभी श्रेष्ठजन सामने बैठ जाएं यहीं पर। हाँ हाँ आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाता चैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निरपामिति क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है चंदन समशीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिति
जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निरपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टगम दहनाय धूपम निरपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निरपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर ने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्ण अर्घम निरपामिति। हम सभी हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की नौ अध्याय हो गए हैं। अंतिम अध्याय कल दसवां अध्याय है और उसी प्रकार दस लक्षण धर्म भी कल अंतिम है और आज उपांत है नौवां। अब इसमें इस अध्याय में बहुत सारा विषय गुरुदेव ने दिया है। उन सब का वाचन एक घंटे सवा घंटे में होना तब संभव है
जब हमें वाग गुप्ति प्राप्त हो जाए। उसके बिना संभव नहीं। अंतर मुहूर्त में जिनवाणी का पूर्ण पाठ होने करने की क्षमता, वचन रुद्धि जिनको होते हैं उनको होती है। उसी प्रकार काय में इस प्रकार की क्षमता रहती है, वे छः छः महीने तक उपवास भी करे तो भी बाह्य छः तपों के साथ वे चर्या के लिए निकलते हैं। हम लोगों की वश की बात है ही नहीं, किंतु रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह भी सहज हो जाता है। छह महीने तक तो उपवास करे और एक ही ग्रास बुद्धिपूर्वक लेकर के आए, अथवा एक ही घूंट पानी का लेकर के आए। कितना उत्कृष्ट वह चारित्र है, तब कहीं जा कर के केवल ज्ञान सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इस नवें अध्याय में आर ध्यान रोत ध्यान का कथन किया, आप लोगों को बार बार इसका चिंतन करना चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे होते रहते हैं और उनको कैसा संभाला जाता है। आर ध्यान के तो स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तो कहा छठे गुण स्थान तक है। खबरदार, किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम आत्म ध्यान के लिए उन्होंने निदानम च ये भी कहा। निदान वर्ज है वहाँ पर, कौन से गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में मुनि महाराज के लिए, क्योंकि भोगों के अभिलाषा मुनि महाराज को न ही यहाँ की भोगों की, न ही ऊपर के भोगों के, कोई भी भोगों की अभिलाषा नहीं रखते, इसलिए वे मुनि महाराज पंचेंद्रिय विधि माने जाते हैं। किंतु यदि वह निदान हो जाएगा तो मुनि अवस्था ऊपर से बनी रहे, भीतर से तो उनको संयम लब्ध स्थान च्युत हो जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, निदान कितना भयंकर है। निदान बंद के कारण ही कभी कभी महापुरुष होने वाले हैं लेकिन फिर वो भी चक्कर में आ जाते हैं और निदान कर जाते हैं अगले भव में, इस तप का मुझे भी यही फल मिले। अरे, जहाँ मुक्ति का फल मिल सकता है उसके द्वारा स्वर्ग के सुख की बात क्यों करता है? अज्ञान के कारण और अनंतकालीन संस्कार होने के कारण ऐसा होता है। आप लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, रात दिन चिंता रहती है और बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए कुछ बहुत परिश्रम उठाते हैं, किंतु आप लोग यदि हमारे लिए यह फल मिल जाए ऐसी आकांक्षा करते हैं तो आपका जितना भी किया हुआ है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो इन बातों से अवश्य बचे। पंचम गुणस्थान तक निदान हो सकता है, हो ये नियम नहीं, और हो गया जैसे रावण अब नरक में चला गया है, गत जीवन में उनको कई प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त थी, विद्याएं प्राप्त थी, किंतु वह उस निदान करने के कारण
वहाँ से नीचे आया और आपके सामने सामने ही नरक में चला गया। आगे वह तीर्थंकर होने वाला, ये भी इतनी बात सही है, किंतु यहाँ तो पेपर उसका बिगड़ गया। इस साल में तो उसका पेपर बिगड़ गया। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि जांच करने वालों के मन में बुद्धि में आ जाए और मुझे नंबर ज्यादा दे। अभी भी तुम अपनी बुद्धि छोड़ नहीं रहे हो, इस प्रकार परिश्रम करो जिसके द्वारा हमारा बहुत उच्च अंक के साथ वह पेपर निकल जाए। लेकिन इस भाव में चूक गए, अब चूकना नहीं, भले ही 33 नंबर ले आओ लेकिन निदान से सप्लीमेंट्री तो नहीं है। हम तो सप्लीमेंट्री देते ही नहीं किसको, पूर्ण नंबर ले लो। हाँ बिल्कुल, तो इस प्रकार निदान को यदि मुनि महाराज देख लेते हैं निश्चित रूप से उनका भी पेपर बिगड़ जाएगा। वह वैसे ही बिना मांगे मिलने वाला था और वह अज्ञान के कारण वह रहा नहीं गया। इसलिए आप लोग इससे बचते रहना। रोगों होने के उपरांत उपचार करने की अपेक्षा से रोग आने से पूर्व में ही दक्षता रखना ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। उसका लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, मैं कोई नहीं जानता। केवल ताली बजाने के लिए करवा देते थे क्या? वो तालियां तो मिलेगी लेकिन तालियों के ओर नजर न रखें, ये हमारा कहना। भले ही टूटी फूटी छोटी भी कविता क्यों ना हो लेकिन वह जानदार तो तभी है, नहीं है तो केवल वो दिखावट हो जाएगा। ऐसा परिश्रम बहुत होता है, कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है, लेकिन कविता के बाद वह तालियां बहुत जल्दी याद आती है। तो फिर अपने आप ही ताली बजाए करो उसमें क्या। अच्छे ढंग से जाकर के कविता यहाँ पर कह दी, किसी को ताली बजाओ ऐसे कहने नहीं, और कोने में आकर के बैठ गए और अपनी कविता के लिए ताली बजाते रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे क्यों बजा रहे, क्योंकि हमारी कविता आज बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी किसी ने ताली नहीं बजाए। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है, आलंबन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है बाहर से, भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ मन की अपने उज्ज्वलता, विशुद्धि, समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में साक्षात नहीं मिलते, इसलिए हम कर लेते हैं। किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल
भावों की ही कथा चलती है। तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती। आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से आए एक महाराज भी थे, और उन सबको हम अपने आस्था के विषय बना लेते। पास है इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं, दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम बरसों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। इस दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे। खुश हो हाँ हो, ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है, ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ। हाँ महाराज, अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है, हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की से सावधानी रख करके इन वृतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है, और उन्होंने माना भी है, उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वेन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन, श्री राजेश जैन डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, श्री अजय जैन नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति
हिंदी में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्धि, नीरज अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर, ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।